संत समागम बहु सौभाग्य के द्वारा प्राप्ति होते हैं, शास्त्र में बताए हैं। और थोड़ा सत्संग लेने का प्रयास में लगा हूँ। वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायूतम वृंदावन मनोहरम वंशाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु विवचु पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्वच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमदाख जगोद्वरेण्य धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदूहम् तेथास्पदम् शिववृंशिनुतम् शरण्यम् भीतातिहम् पनतपालभवद्विपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिछटाया विस्फुरजित किमपि गोपवधू सुवदसि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। दन्ते तीनकं निधायो पदयोर्निपत्तो दन्ते निधायो तीनकं पदयोर्निपत्तो काकुशत एतदहं बभ्रमि। हे साधव सकलमेव विहाय दुरा चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। हे साधव सकलमेव विहाय दुरा चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी सब कोई का चरण पकड़ कर बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जितना सारे अन्नाभिलाष अन्न प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़कर
चैतन्य चंद चरणी कुरुतानुरागम। एकमात्र चैतन्य चंद चरण में कुरुते अनुरागम, अनुराग करो। पहला बात तो ये है, शास्त्र में खुल्लाम खुल्ला बता दिया, जब विषयाविष्ट चित्तानाम कृष्ण आवेश सुदूरतः, विषयाविष्ट चित्तानाम कृष्ण आवेश सुदूरतः। फैंटास्टिक, हंसी का चीज है, जिसका दिल दिमाग विषयों में रमन करता है वो राधा रमन का क्या बात सोचेगा, हाउ ही कैन डिस्कस। जिसका दिल और दिमाग रमन करता है विषयों में, वो भले कैसे राधा रमन का चिंता करेगा, वो कैसे वृंदावन पहुंचेगा पैसा का ताकत से। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जिनको सिद्धांत के अनुसार हम वृंदावन के भरे सभा में चिल्ला चिल्ला कर बता दिए सारे विद्वान समाज में, जे जितना सारे आचार्य आज तक आविर्भाव हुआ, आज तक रामानुजाचार्य दे के बल, जितना सारे मध्वाचार्य रामानुजाचार्य निम्बाकाचार्य जो कुछ भी, जितना सारे आचार्य आज तक परंपरा में आविर्भाव हुए हैं, इनमें से सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का आचार्यत्व, आचार्यत्व का स्पेशलिटी है अनोखा, ये झूठा नहीं है, हम अभी साबित कर देंगे। रामानुजाचार्य बहुत कुछ दिए हैं, हम लोग आभारी हैं। माधवाचार्य जी बहुत सारी चीज दिए, हम लोग आभारी हैं, भूल नहीं सकता। बट स्टिल शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने जो चीज देने के लिए आए हैं, अंतिम समय में जाते वक्त रोते रोते बताए, हम जो चीज देने के लिए इस जगत में आए, ये नालायक समाज कुछ नहीं ले पाए, आई एम गोइंग बैक, हम वापस जा रहे हैं। जो चीज देने के लिए आए थे वो बड़ा भारी चीज, ये आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में कोई दार्शनिक नहीं है, नो फिलोसोफर इज देयर हु कैन थिंक अबाउट इट। जो दान देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो दान को समझाने के लिए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर राधा रानी का निजी जन नयन मणि मंजरी का आविर्भाव है। अब मैं क्या करूं, आप तो हमको श्री श्रीमती राधा रानी का चरण का महिमा वर्णन करने के लिए बैठा दिया, ये तो खेलकूद का बात नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने राधा कुंड का तट पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर सब सहजी आदमी को बोल रहे हैं, ओ उधर मत जाओ, उधर आओ, वाई आर गोइंग देयर, उधर क्यों जा रहे हो, उधर जाओ के राधा गोविंद का रस मिलेगा ना बीस मिलेगा, जा रहे हैं उधर, तुम्हारा अंदर में जो काम है पैसिव काम, उसको पूर्ति करने के लिए तुम राधा गोविंद का लीला श्रवण करने का बहाना कर रहे हो, भजन करेगो, आओ इधर, चिल्ला चिल्ला कर कोरोना के द्वारा बोल रहे, इधर आओ हम बताएंगे कैसे भजन होता है। शिल प्रभुपाद जी जब बोले ये सब सहजिया लोगों का पास मत जाओ, राधा रानी का चरण का महिमा आपको जानकारी चाहिए, तो हमने रोपड़ में, रोपड़ नहीं हुआ क्या, भाटिंडा में चिल्ला चिल्ला कर बताए एक श्लोक शिल प्रबोधानंद सरस्वती पाद का, वहां प्रबोधानंद सरस्वती पाद बताए, इसका व्याख्या हो नहीं पाएगा, टाइम इज लिमिटेड, वहां बताए, यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्तिम कृतपुन्न राशि, तथा तथा उत्सर्पदि हृदय अकस्मात राधा पदम्बुज सुदम्बु राशि। कैसे सोचोगे राधा रानी का चरण, किस लिए गौरंग महापू आए, समझ नहीं पाए, सारे जिंदगी बेकार हो गया, हमने गौड़िया मठ का भक्त है,
कितना सारे तिलक लगाते, कीर्तन करते, राधे राधे आ जाओ। परम पूज्य केशव गुस्से में तो चिल्ला गए, राधे ना मुख में मत, तेरा मुख से गंदगी आ रहा है, तेरा मुख से गंदगी आ रहा है, बदबू आ रहा है, राधा ना मत बोल, अभी गौर गौर बोल, नित्यानंद बोल, चुटिया चुमरो, प्रैक्टिस करते चल, भजन करते चल, निष्कपट राधा रानी कृपा करेगी। ऐसा नहीं हो, श्रील प्रभुपाद जी जब बोले सहजिया के पास मत जाओ, तो सारे आदमी दौड़ कर आए प्रभुपाद जी के साथ लड़ाई करने, आप सहजिया हो, हम लोगों को सहजिया बोल रहे हो, आप तो खुद सहजिया हो। प्रभुपाद जी ने बोले यस वी आर सहजिया, आप ठीक बताए, हम लोग सहजिया है। अपराकृत जगत का जो सहज धर्म हो, प्रेम संपत्ति, वो हम लोगों का अंदर, समझा नहीं मेरा बात, दिमाग में घुसाने के। प्रभुपाद जी को जब इल्जाम लगाने के लिए आप लोग हमको सहजिया बोल लो, आप तो खुद सहजिया, प्रभुपाद बोले यस हम सहजिया, हम लोग सहजिया है, लेकिन अपराकृत जगत का जो स्वाभाविक सहज धर्म और साविक धर्म नहीं, काम छोड़ के प्रेम का धर्म, वो हमारा गौड़िया संप्रदाय में, सो वी आर सहजिया, बट यू आर मेटेरियल सहजिया, आप तो प्राकृतिक सहजिया हो, आप प्राकृतिक सहजिया हो, हम सहजिया है और प्राकृतिक सहजिया, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी को जो बोला गया, आप लोग शक्ति को मानते नहीं हो, को शक्ति को मानते नहीं हो, देखो हम लोग शाक्त है, कैसे लाल टीका लगाते हैं, शक्ति का आराधना, आप शक्ति को छोड़ दिया, क्या बात है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने विचार दिखाया, जे ये लोग बोलते हैं हम लोग शक्ति का आराधना नहीं करते, गौड़िया वाले वास्तव शक्त है, तुम शक्त हो, काली जी को पूजा करोगे, तुम काली जी का पूजा करके व्यभिचार करके दारू पी के चरस पी के महाराज मस्त होकर जय काली बोल, तुम शक्त हो, वी कैन प्रूव दैट वी आर एक्चुअल प्योर शक्त, हम लोग प्रमाण कर देंगे प्योर शक्त, विशुद्ध शक्त हम लोग है। वो कैसे, ये जो अभी बताए, तमाम दुनिया के अवतार का मूल है ईश्वर परम कृष्ण, और श्लोक नहीं बताएंगे, टाइम नहीं है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्वकारण करुण, इनके साथ जो शक्ति राधा श्रीमती राधा रानी लीला करती है, वो तमाम शक्तियों का सोर्स है, तमाम शक्ति का सोर्स है, राधा स्टोकम में है ना, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जा बिरंति जा वरो प्रदे। क्या प्रमाण हुआ, राधा रानी के चरण में सब आके, जितना सारे अनंत कोटि विष्णु लोक सब आके राधा रानी के चरण में रोते हैं, दया करो राधा रानी, दया मई दया करो, हमारा गौर किशोर बाबा जी महाराज निष्किंचन वैष्णव थे, हमारा परंपरा में आते हैं, उसका संपत्ति बल के कुछ नहीं था, जिसका संपत्ति एकमात्र राधा रानी का चरण, ही कैन डू, ही कैन स्पीक राधा रानी, स्पीक अबाउट राधा रानी, निष्किंचन हुए बिना, वो निष्किंचन में स्तर है विशुद्ध, उसमें हमारा गौर किशोर बाबाजी महाराज कीर्तन करते हैं, कोथा एगो प्रेमोमयी राधे राधे, देखा दिए प्राण रखो राधे राधे, ये इन्हीं को शोभा देता है, भरपूर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य संदेह होश से स्पेकुलेशन सब लेके हमारा बुद्धि लगाकर हम राधा रानी का चरण का सौंदर्य नहीं देख सकते, संभव नहीं। जिस राधा रानी का चरण पल्लव को गोविंद माथे में धारण करने के लिए रोते हुए प्रार्थना करते हैं, दही पद पल्लवम उदारम, दयामयी आपका चरण मेरे माथे पे दे दो तो मैं बच जाए, दुनिया बोले बे मैं हमारा बीबी का साथ जो संबंध है ऐसा ही तो हुआ, और क्या घटिया संबंध, उल्लू जैसे सूरज में कुछ देख नहीं सकता, रात में अंधेरा है उसमें सब कुछ दिखाई पड़ता, ऐसा ही है दुनिया का स्थिति।
चैतन्य चरितामृत में सुंदर बताया गया, सुन लो ठीक से, राधा संगे जथा जदा भाती तदैव मदन मोहन। मदन मोहन कब तक मदन मोहन नाम धारण करते हैं? जब तक राधा रानी रहती है। बिना राधा रानी उसका नाम मदन मोहन नहीं है। विश्व मोह ओपी स्वयं मदन मोहितो लिखा हुआ है कृष्णदास कबीरदास जी गोस्वामी, प्रिय नर्म सखी राधा रानी का। ये कोई खेलकूद नहीं, राधा संगे जदा जदा भाति तदैव मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहितो। जब राधा रानी रहती है तो मदन मोहन नाम है, और राधा रानी नहीं है तो स्वयं मदन अपरागित तो काम के द्वारा मूर्छित हो जाते। ये काम आपका काम नहीं है। पहला चुनौत पहला बात ये सुन लो, कान खुलकर जिंदगी भर याद रखना, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बोले, अपना अंदर में जितना गंदगी है काम क्रोध सब मैसिव जो है, इसको अगर लाठी मारना चाहो भगाना चाहो तो क्या करो, अप्राकृत कामदेव का अर्चन करो। प्राकृत काम को हटाने के लिए अप्राकृत कामदेव का अर्चन करना है। वो भी कैसे, नित्यानंद प्रभु का अनुगत्य में गौरंग महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु का कृपा हो जाए राधा रानी का चरण, और उसका पहले नित्यानंद का दो स्वरूप है। एक पहले भजन का पहले जीवों को मार्ग दिखाते हैं नित्यानंद प्रभु, एक स्वरूप। फिर उसका बाद जब सत्संगों का बहाना हो जाता है, सत्संगों का बाद उसको गुरु ग्रहण करने का, अपना जिंदगी का जो कैसे मंगल होए इसलिए गुरुचरण ग्रहण करने का इच्छा पैदा होता। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बताए, किसी ने 20 साल तक 30 साल तक दुनिया भर के सत्संग किए, भला माना हमने खूब सत्संग किए जीवन में। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती बात जी ने बताए, किसी ने अगर सत्संग किया है, किसी ने सत्संग किया है लेकिन उन्होंने गुरु ग्रहण नहीं किया, चक्रवर्ती बात बोल रहे ये झूठा है, झूठा है। सत्संग करने का रिजल्ट पहले ही गुरु ग्रहण होगा। अगर गुरु ग्रहण नहीं आया, बहुत साल से वो बोल रहा है हम सत्संग कर रहे हैं, झूठा बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रमाण दिया चक्रवर्ती बात, सत्संगो सत्संगो प्राप्ते पुंग भीड़ बहुवीर सुकृति पूर्व संचित। वो भी सत्संगो बिना हरि कृपा सुलभ न सोई, हरि कृपा हुए सत्संग हुए, असत्संग हुए तो गुरु शरण ग्रहण करे, और गुरु करण गुरुचरण ग्रहण करने का बाद ही भजन का शुरुआत हो। असली गुरुचरण, असली जो आत्मसमर्पण है सदगुरु चरण में, ये नहीं होने से भजन का रहस्य नहीं खुलेगा, ये ध्यान देना चाहिए। बात यह है श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए किस लिए, इसका बहुत तत्व है। राधा कृष्ण विकृतिर लादिनी शक्ति रस्मात एकात्मनौ ओपी देहो भेदम गतो उतौ, ये सब श्लोक काम व्याख्या नहीं करें। लेकिन एक बात सुन लो, पार्वती मैया ने शंकर भगवान का पास प्रश्न किए, ये गौर गौर लगाते हो हरिबोल हरिबोल, क्या है गौर कौन है? तो शंकर जी ने स्वयं बताए, जं एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह जच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपंच तत्शुभम। हे देवी, जिसको अब राधा गोविंद बोल के इतना दिन तक जाने हो, वो राधा गोविंद मिलकर गो गोविंद का गो राधा का रा लेकर गोरा हो गया, यही गोविंदो राधा गोविंद के मिलित तनु। और जिसको आप नवद्वीप जिसको वृंदावन कहते हो, यही वृंदावन नाम नवद्वीप, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बताए, हम क्या कहे। अब प्रश्न उत्तर है, गौरांग महाप्रभु आए किस लिए? राधा रानी का महिमा जगत में फैलाने के लिए। थोड़ी सी इंडिकेशन, नॉट एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी हम इंडिकेशन दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? गुरु तत्व का एक्सट्रीम पॉइंट राधा तत्व, राधा रानी, जिनको आप लड़की समझोगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर इट। इसको ध्यान से सुनो, अगर लड़की बुद्धि हो जाए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, चाहे कुछ भी गुरु आप ग्रहण किए हो, दैट डजंट मैटर। तो जब गौरंग महाप्रभु आए, राधा रानी का अंगों का जो कॉम्प्लेक्शन जो है, शरीर का वरण और भाप, भाप चुड़ा लिया। राय रामानंद महाप्रभु के साथ, राय रामानंद जी का संवाद गोदावरी का तट साउथ इंडिया में, ये सब डिस्कशन हुए तो पागल हो जाओगे, विषय भूल जाओगे, आपका नौकरी में जाना नहीं है, पैसा देखना नहीं है, ऐसा हालत पैदा हो जाएगा। हमारा गोस्वामी भक्तिमय ठाकुर ने भी कीर्तन लिखा, बंदी संगे यदि तब रंग परिहास। ये कीर्तन है, शायद भक्त लोग गाएगा इसके बाद। तबे मोर कथा सुनो, जेओ ना को है वृंदावन कैसी तित्व घाटे रो सखास। वहां जाए एक बार आपका आंखें का दृष्टि गोविंद से लड़ गया तो देन यू आर फील यू आर फेलियोर। अब कोई विषय का प्रचेष्टा कुछ नहीं होने वाला। अब प्रेम के द्वारा जैसे हमारा हुआ था, किसका, हमारा वही नवाब का पुत्रो रास खान जी जो आए, रास खान जी वृंदावन में, वो वृंदावन तो मुसलमान है, वृंदावन में आए, वृंदावन में आते आते बस हो गया, उसका दोस्त चला गया, बोला हम जाने वाला रह गया, उसका समाधि में जाते हो गोकुल में। अब हम दो चार पॉइंट व्याख्या करके अभी छोड़ेंगे, समय कम है। बात यह है कि गौरंग महाप्रभु राधा रानी का अंग का जो रंग सोने का वर्ण और उनके राधा रानी का भाव को चुरा के राधा रानी कैसी आस्वादन करती है, कैसे क्या है, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए गौरंग अवतार हुए, ठीक है। और तो फिर महाराज गदाधर जी कौन है, भाई ध्यान से सुनो, अटेंशन प्लीज। ये जो राधा रानी का अंग का जो शरीर का वर्ण है और भाव को चुरा कर गौरंग महाप्रभु हुए, तो महाराज गदाधर पंडित कौन है, पहले गदाधर को पूजा करो, गौर गदाधर, ध्यान से सुनना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए अर्चन मार्ग में, अर्चन मार्ग ध्यान से सुनना, अर्चन मार्ग में गौर विष्णु प्रिया का आराधना होता है, और जब भाव मार्ग भजन करो तो गौर गदाधर का आराधना होता है। हमारा गुरु जी भी गौर गदाधर प्रकट किए, बहुपात भी बहुत जाएगा, गौर गदाधर का होता है। और गदाधर पंडित क्या है, शक्ति है, भाव तो ले लिया महाप्रभु और शरीर का वरण ले लिया, ठीक है, और इसमें जो शक्ति रह गया वो शक्ति है गदाधर पंडित, ठीक है। कैसे कैसे ऐड कर देखो राधा रानी, और राधा रानी का शरीर का अंग कांति, कांति ये ज्योति निकालती है, कांति, वो गदाधर दास, राइट, ऐड करो अभी गदाधर दास प्लस गदाधर पंडित प्लस गौरांग महाप्रभु का अंदर राधा रानी का भाव, राधा रानी का वर्ण, एड देन यू कैन गेट कंप्लीट राधा रानी। राधा रानी है, लेकिन ऐसे विभाजन करके आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु पकट हुए। गुरु तत्व का बंदे गुरु उण, ये सब श्लोक बहुत बार व्याख्या किए, बहुत जाएगा, अभी समय नहीं है। तो राधा रानी का चरण जरूर हम लोग, हमारा मकसद है राधा रानी का अनुगत्य में गौड़ियों का भजन का मसला जो है सीक्रेसी, लेकिन ये बद्ध अवस्था में नहीं है, धीरे धीरे अनुगत्य करते चलो। नित्यानंद गौरांग महाप्रभु पंचतत्व को धीरे धीरे सुनो, कृपा लो, फिर आगे चल के राधा रानी का कृपा अपने आप मिल जाए। जो बोला और जो श्लोक बोल के हमारा राधाष्टमी का दिन शुरू किए थे सुबह में, वो श्लोक का व्याख्या नहीं करेंगे, अंतिम में वो बोल के हम अपना वाणी को विश्राम देंगे। बेनुम करात निपतितम स्खलितम शिखंडम, बेनुम करात निपतितम स्खलितम शिखंडम, भ्रष्टं च पीतवसनम
ब्रजराज सुनो, ब्रजराज सुनो, जसई ककटाक्ष सरघात विमूर्छितस्य साराधिका परिचरामि कदारसेन। वांछाकल्पतरुवश्य के पास सिंधु व्यवच पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमो नमः।